देख लेता हूँ। आया बड़ा चूहा है। आप दोनों एक दूसरे बात करने को भी तरस जाएंगे। भाई वो जो दो फ्रंट वाले कमरे हैं ना, वो मेरे हैं। किसने कहा? मैं भी उसी बाप का बेटा नहीं हूँ क्या? तू उसी बाप का बेटा है तो लेके दिखा, मैं भी देखता हूँ। देखता हूँ तेरे पास कितना दम है, जुर्रत है, देखता हूँ तू कैसे लेता है। चलो देख। हाँ देखता हूँ, दिखाता हूँ, देख लेता हूँ। आया बड़ा चूहा है। बाबा आखिर ऐसी कौन सी वजह है आप हम दोनों को लड़ता झगड़ता देखकर हंस रहे हैं? आप दोनों इधर हैं, मेरी बात सुने। आप दोनों को कुछ मैं बताता हूँ। कल आप दोनों अपने काम काज से छुट्टी ले लें, आपको एक मैं अनमोल जगह पर ले जाऊंगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, ठीक है बाबा। ये वही हवेली है जिसके लिए मैंने अपने भाई से लड़ा था, एक दूसरे को मरने मारने पर उतार आए थे, जैसा कि कल तुम लड़ रहे थे। हवेली तो मुझे मिल गई थी लेकिन भैया बाहर चले गए थे, मुझसे कहा ये हवेली तू रख लेकिन रिश्ता खत्म, ये कहकर वो मुल्क से बाहर चले गए। बेटे ये देखो ये हवेली तो खंडहर बन चुके लेकिन मैं अपने भाई से बात करने को भी तरस रहा हूँ, इसी तरह वो मकान भी खंडहर बन जाएगा, आप दोनों एक दूसरे बात करने को भी तरस जाएंगे। बेटे आपको पता है जिस बाइक पर आज हम आए हैं कल किसी और की थी, आज हमारी है लेकिन कल किसी और की होगी। बाबा आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो दस्तूर है, कानून है दुनिया का। बेटे वो मकान तो एक दिन खंडहर बन जाएगा, थोड़ी सी जगह के लिए आप दोनों एक दूसरे से अपना रिश्ता खत्म मत करें। माफ कर दे बाबा, आप दोनों एक दूसरे से गले मिलो और मेरा दिल खुश कर दो। भाई मुझे माफ कर दे भाई।